अब सबसे पहले डॉक्टर साहब सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि जो फफोले होते हैं वो आखिर किन कारणों की वजह से बनते हैं? फफोले होने का मुख्य कारण है कि शरीर में कहीं कुछ आपका इन्फेक्शन वगैरह लगा हुआ है या कोई बीमारी है, ये इंडिकेट करता है। तो इसमें हमें सावधान होना चाहिए कि फफोले जितने दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उतने नहीं बल्कि उससे आगे भी होते हैं। कुछ नॉर्मल फफोले होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें बाद में इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है, तो फिर वो ज़्यादा समस्या हो जाती है। फफोलों में एक सबसे जो लोग कॉमन गलती कर देते हैं कि उसका खुद से फोड़ देते हैं और ये करते हैं, फोड़ना नहीं चाहिए। वो जब तक स्किन का आउटर लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लेयर को। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि लोग फफोलों को फोड़ देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, तो फफोले को फोड़ देना इतना गलत क्यों हो जाता है, हानिकारक क्यों साबित हो सकता है? समस्या ये होती है कि फोड़ तो देते हैं लेकिन आप उसके बाद उसके प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, और उस स्थिति में जब इन्फेक्शन लग जाएगा तो वो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी कि फफोले शरीर में किन किन अंगों में हो सकते हैं? फफोले शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं, और इन फफोलों में जो सबसे खतरनाक एक बीमारी होती है जिसका नाम है पेम्फिगस, वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपको इवन आपके मुंह के अंदर भी हो सकता है। तो वो होता है तो उस समय समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको तुरंत डॉक्टर के उचित सलाह की ज़रूरत रहती है। अभी जैसा कि सर आपने बताया कि जो फफोले होते हैं वो कई अनेक बीमारियों का संकेत भी हो सकते हैं, तो जो फफोले अगर किसी को लगातार हो रहे हैं तो वो किस बीमारी का इशारा समझा जा सकता है? देखिए, ऐसे बाहर से कह देना कि ये बीमारी होगी इतना आसान नहीं है। मेडिकल साइंस जटिल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस वजह से हो रहा है, क्या कारण हो रहा है। शरीर में आपकी जो अंदरूनी ये रक्षा प्रतितंत्र है वो तो कहीं नहीं कमज़ोर हो रहा है, तो इसमें देखना पड़ता है और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करना पड़ता है। एक आखिरी सवाल मैं हमारे दर्शकों के लिए यही पूछना चाहूँगी कि फफोलों से बचाव कैसे किया जा सकता है, उनका बेहतर ध्यान कैसे रखा जा सकता है अगर किसी को फफोले हो जाते हैं तो? अगर फफोले हो जाते हैं तो आप उस स्थान को साफ रखें हमेशा, और उसमें प्रॉपर रूप से मेडिकेशन लें, दवाई लें, लगाएँ वहाँ पर, और इस तरह से आप ये चीज़ करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि अगर आपको फफोले हो जाते हैं तो आपको उन्हें फोड़ने जैसी गलतियां नहीं करनी है, बल्कि उनका ठीक तरीके से ध्यान रखना है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले।